हाय हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करम ध्रुव ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ठेठे टांगर गांव शादी देखने के लिए, और इस वक्त हमारे गांव में भी शादियां हो रही है, लेकिन गांव से लेकर शहर तक जो है पूरा लॉकडाउन चल रहा है, तो गांव में जो है शादी ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं है। मैं कोशिश किया था एक शादी में ब्लॉग बनाए, कह के आप लोग को दिखाएँ कि लॉकडाउन के अंदर जो है शादी किस प्रकार की हो रही है कह के, तो शादी वाले घर ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो हम जो है शादी ब्लॉग नहीं बना पाए। तो आज हम दूसरे गांव जा रहे हैं, ठेठे टांगर गांव, तो वहां किस प्रकार की शादियां हो रही है, किस प्रकार का नाचा गाना हो रहा है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और शादी सब ऐसा होता है कि हर कोई चाहता है कि अपना शादी जो है अच्छे खासे धूमधड़ाका हो, अच्छे से अधिक मेहमान आए, अच्छा बाजा हो, अच्छा गाना नचा हो, हर कोई चाहता है ऐसा। लेकिन लॉकडाउन है, कैसी हो रही है पता नहीं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, ये हमने चावल उवल पकड़ लिए हैं झोले सब में, जो कि हमारा कहीं भी जाते हैं तो हमारा पिछला सलका वाला शादी में आप लोग को दिखाया था सारा डिटेल, तो वैसे ही चावल है कुछ, और कुछ पैसे पकड़ना होगा, और ये मांस, तो 2 गज दूरी और मांस है ज़रूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अपना सुरक्षा खुद को रखना चाहिए, ठीक है। फिलहाल भीड़ भाड़ माहौल तो ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी से मांस ज़रूरी है, ठीक है। तो हम मांस उस लगा लेते हैं और निकलते हैं, तो हमारे साथ एक दो चाचा लोग रहेंगे, तो उन लोग के साथ जो है हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं जो इस प्रकार का ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा मतलब उन लोग बोर हो जाएंगे, और सीधे हम वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी फेस वाला ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, कोई देखेंगे ये वीडियो बना रहा है ऐसे वैसे तो भाई दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे ही आप लोग को सिंपल दिखाएंगे आगे कैमरे से, कैसा नाचा, कैसा गांव, ये सारा चीज़। और कुछ साथी लोग जो कह रहे थे हमको कि गांव में जैसे शादियां सब होती है तो जो बाजा होता है वो कितने का होता है, तो जितना बड़ा उनका ग्रुप रहता है उतना ज़्यादा उनका रेट रहता है, जैसे 2-4-5 जने अगर बाजा बजाते हैं तो लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में जो है बाजा बजाते हैं, और उनसे 6-7-8 जने मतलब बड़ा ग्रुप रहता है 12-13, तो भाई जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना ज़्यादा जो उनका रेट रहता है, ठीक है। और काफ़ी लोग कहते हैं जैसे हमारे गाँव के बाजा क्या क्या बाजा सब होते हैं, तो एक तो होता है हम लोग का जैसे लिंगो बाजा, गुदुम बाजा भी सुने होंगे, और बैंड पार्टी ऐसी कुछ सुने होंगे जो हमारे गांव में जो पुराने ज़माने से जो है मतलब शादी विवाह सब करते हैं तो ऐसी बाजा जो है किए रहते हैं। हमारे घर में जो है काफ़ी शादी कार्ड आए हुए थे, लेकिन शादियां जो है इन साल काफ़ी कम देख रहे हैं, और मतलब किसी किसी का शादी अपना कुछ खास हो जाता है तो थोड़े बहुत आधा एक घंटे के लिए जाना ही पड़ जाता है, और इसी आधा एक घंटे में जो कुछ भी माहौल आप लोग को दिखाने के लिए मिलेगा वो सो आप लोग को हम दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ठेठे टांगर गाँव, और यहाँ पर चाची लोग का घर है जहाँ पर अभी कुछ देर बैठे हुए थे, तो ये चाची लोग का घर कुछ दिखा देते हैं आप लोग को। आंगन में देख सकते हैं आम को छील के जो है काट के यहाँ पे सुखाया गया है, जो कि अमचूर बनता है, इसको दुकान में बेचा जाता है, ठीक है। और इधर तेंदुपत्ता देख पा रहे होंगे, इस वक्त जो है गांव में काफ़ी ज़्यादा तेंदुपत्ता तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा चाची लोग का प्यारा सा घर, अभी कुछ आप लोग को बस्ती का टूर करा देते हैं। तो ये आगे तरफ जो है शादियाँ हो रही है, और इधर काफ़ी बड़ा बस्ती है, काफ़ी घना बस्ती है, मतलब हर घर जो है एक दूसरे घर से जो है सटा हुआ है, और लॉकडाउन में शादी हो रही है, अब गली में देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग जो है इधर आते उते नज़र आ रहे हैं। तो चलिए शादी दिखाते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो दूल्हे को जो है हल्दी लगाया जा रहा है, जो कि हमारे गाँव की पारंपरिक शादी, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ के गांव में जो है कुछ इसी प्रकार के शादियां होती है। एक तरफ दूल्हे को हल्दी लगाया जा रहा है और एक तरफ जो है नाचा जा रहा है, तो इसी प्रकार की गांव में होती है शादी। तो अभी पूरी देखो वीडियो, फुल एंजॉय करो, ठीक है।